क्वेश्चन है द गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। देखो बेटे, जो आइडियल गैस है वो आइडियल गैस के पास दो कंडीशन होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये होना चाहिए, पहला, कि जो गैस मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो। वॉल्यूम क्या हो? नेग्लिजिबल हो विद कंपैरिजन टू द वेसल्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल्स। तो उसके रिस्पेक्ट में एकदम नेग्लिजिबल हो मॉलिक्यूल, मतलब गैस का बहुत ही छोटा हो। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा यह होना चाहिए कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन का फोर्स ना हो। देयर आर नो इंट्रैक्शन बिटवीन द टू आर मोर गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और गैस मॉलिक्यूल का शेप या साइज या वॉल्यूम बहुत स्मॉल होना चाहिए या नगण साइज का होना चाहिए। तो अगर रियल गैस है बेटे, तो वो क्या करेगा? इस दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा। अगर रियल गैस है तो दोनों कंडीशन को क्या करेगा? फुलफिल करेगा। रियल गैस है, आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस है तो इन दोनों को क्या करेगा? फुलफिल करेगा कि कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है उन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, कोई भी अट्रैक्शन का फोर्स नहीं है, रिपल्शन का फोर्स नहीं है, वॉल्यूम उस गैस मॉलिक्यूल का एकदम स्मॉल या नेग्लिजिबल है। अगर आइडियल गैस है तो यह है। आइडियल गैस अगर है तो एक और कंडीशन होता है, अगर इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो तो, कि प्रेशर लो होना चाहिए आइडियल गैस होने के लिए। या मैं ऐसा कहूं कि लगभग सारे गैसेस क्या करें कि प्रेशर लो कर दें और टेम्परेचर को हाई कर दें, तो लगभग जितने भी आइडियल गैस हैं उनका बिहेव लगभग रियल गैस गलत हो गया जितने भी रियल गैस हैं उनका बिहेव लगभग क्या हो जाएगा? आइडियल गैस हो जाएगा। फिर से सुन ले इस बात को कि जो आइडियल गैस होते हैं उनके गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होना चाहिए, और दो आर मोर गैसियस मॉलिक्यूल्स, देयर आर नो इंट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इफ टू कंडीशन आर फुलफिल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, दैट गैस इज कॉल्ड द आइडियल गैस। इस तरीके का जो गैस है उसको आइडियल गैस बोल रहे हैं। एंड अनदर थिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द आइडियल गैस, या हम ऐसे कह दें कि एट द लो प्रेशर एंड द हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर द ऑल रियल गैस बिहेव्स लाइक अ आइडियल गैस। जितने भी रियल गैस हैं वो सब लगभग आइडियल गैस के लाइक बिहेव करने लगते हैं जब इनका प्रेशर लो हो जाता है और टेम्परेचर इसका हाई हो जाता है। या मैं ऐसा कह दूं कि पीवी अपान एनटी, जो एनटी का ग्राफ है, यानी कि पीवी अपान एनटी का जो ग्राफ है, ये ग्राफ अगर आर के इक्वल आ गया और वर्सेस पी, यानी कि पीवी अपान एनटी वर्सेस पी का जो ग्राफ है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन जाएगा और इधर मैं पीवी अपान एनटी लिखूं, पीवी अपान एनटी और इधर प्रेशर लिखूं, तो ये जो हमारा पीवी अपान एनटी वर्सेस पी का ग्राफ है, अगर रियल आइडियल गैस है तो ऐसे डॉट डॉट चला जाएगा, और रियल गैस तो कुछ इस तरीके से ऐसे चला जाएगा। ये रियल गैस के लिए है और ये आइडियल गैस के लिए है। तो आप देख रहे हैं कि पीवी अपान एनटी जो है ना वो आर के इक्वल है, जिसकी वैल्यू 8.31 है, और जूल अपान कैलोरी को कैल्विन मोल ये होता है, और ये वैल्यू क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है। तो हम देख रहे हैं कि पीवी अपान एनटी का जो ग्राफ है पी के साथ, वो एक कॉन्स्टेंट का मतलब एक आइडियल गैस दे रहा है। और आइडियल गैस कब हो रहा है बेटा? देखो धीरे धीरे ये प्रेशर लो हो गया है, प्रेशर एकदम लो हो गया है, और टेम्परेचर इसका क्या हो गया है? हाई हो गया है। तब जाके हमारा जितना भी लगभग जितने भी रियल गैस है वो सब आइडियल गैस के लाइक बिहेव कर रहे हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लो प्रेशर और लो टेम्परेचर कह रहा है, मतलब ये वाला तो टर्म सही है लेकिन ये वाला टर्म मेरा गलत हो गया है। फिर हाई प्रेशर ये वाला ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि लो प्रेशर होना चाहिए, हाई प्रेशर ये भी गलत हो गया क्योंकि लो प्रेशर होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है,
और AIIMS 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।